सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल में नहीं है तो क्या फायदा ये? नौ बजे से आके बैठे बारकस के दवाखाने में, बारकस का सरकारी हॉस्पिटल में आके बैठे हुए हैं। नौ बजे से ये टाइम होगा, अब तक कोई एक डॉक्टर का पता नहीं है। ये एक महीने से देख रही हूँ मैं, ऐसी रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, दाढ़ में दर्द है मेरे, मैं रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। आखिर ये डॉक्टरों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, क्या है, क्यों खोल के रखे फिर ये हॉस्पिटल, समझ में नहीं आ रहा। अब डॉक्टरों को, अब किसी को पूछो तो जैसे कुत्तों को झिड़कियाँ जैसा दे रही हो, ये वार्ड बॉय सिस्टर ऐसे झिड़कियाँ दे रहे हैं, किसको सुनाना अभी हम? कितने बजे आप सुबह में? नौ बजे से आके बैठे हुए। अब क्या टाइम हो रहा? अब करीब साढ़े ग्यारह हो, साढ़े ग्यारह हो। तो अभी डॉक्टर नहीं आए बोल रहे लोग? अभी तक डॉक्टर आई नहीं, हम लोग खुद कैबिना देख रहे हैं, जाके कैबिना खुले है लेकिन डॉक्टर का पता नहीं है। हॉस्पिटल कहाँ का है ये? बारकस गवर्नमेंट। तो बराबर होता आप लोग क्या भी बोल लो। अरे हम करे सो इससे पहले कैसा था ये दवाखाना, मोरिया बंद तो बंद, लाइट का डाल के जो है तो क्या फोन की लाइट डाल के ग्लूकोज लगा रहे थे, दुनिया का हल्ला करी मीडिया वाले, बोले मोहम्मद नाम था मीडिया वाले का, बुला के यहाँ पे जेवाड़ा करी में। उसके बाद में जो है शाहीन नगर का एक आदमी मकानदार किराएदार बड़े हो गई, तो जो है मकानदार को मार दिया, आया तो जो उस्मानिया को यहाँ का केस लिया, तो वहाँ से बाहर आया यहाँ आके जो है दम छोड़ दिया वो आदमी, मीडिया वाले मेरे को छोड़ के उसके केस में चले गए। इतना सब परिश्रम इससे पहले भी मैं तो आगे बढ़ा, ये दवाखाना इतना डेकोरेशन हुआ अंदर से बाहर तक, में तो कुछ भी नहीं था, नहीं देखे तो क्या, अगर कोई पुराने हमेशा आने वाले हैं तो याद करो वो दिन कैसा था हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल को मैं एक जनी आवाज उठाई थी, जब भी पूरे पेशेंट मेरे खिलाफ थे, किसके वास्ते कर रहे हम, हमारे वास्ते कर रहे क्या, दवाखाना हमारे नाम पे लिखो बोल रहे क्या, सबके भलाई के लिए कर रहे, सब जने मिलके आवाज उठाना चाहिए, जो गलत हो रहा तो गलत हो रहा बोलना चाहिए। डॉक्टर हमारे सगे नहीं है, मैं आपकी सगी ने हूँ, हक की बात बोलने में क्या है, इतना डरते क्या? अल्लाह से डरो, डरना है तो किसी से नको डरो, क्यों डरते भैया किसी से? अल्लाह के बंदे है तो अल्लाह से डरो। जियो जियो, यहाँ पे मैं अपनी लड़की को मंथली टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। करीब एक घंटा ठहरने के बाद जब करीब उनका नंबर आया तो वहाँ से अंदर से आके अटेंडर बोल रहे हैं कोविड का टेस्ट कराना पड़ता है। कोविड का टेस्ट कराने के लिए गए तो वहाँ पे लाइन काफ़ी है, 50 से 60 आदमी है। तो मैं जाके वहाँ पे टेस्ट करने वाला उनसे पूछा कि मेरी लड़की का नंबर लास्ट में है, क्या वहाँ टेस्ट कराने के लिए जब उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपके पास उतने किट अवेलेबल है नहीं है? वो तो उन्होंने जब बोल रहे हैं कि नहीं है, मेरे पास खाली 40 किट अवेलेबल है और सिर्फ 10-12 बचे हुए, जबकि लोग 60 से 70 आदमी ठहरे हुए हैं। तो उनको पूछा कि आपका काम है, आप लोग इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मेरे कहने सिर्फ 10-12 किट है, आप लोग इतने क्यों ठहरे हुए, जाइए कल आइए। वो तो उन्होंने उल्टा मेरे से बहस कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी किस्म का सही इंतज़ाम नहीं है, ना चिट्ठियाँ लिखने वाले टाइम पे मौजूद रहते हैं, ना डॉक्टर जो है सो सही रहते हैं, ना उनके पास सही कोई कोऑपरेट करते हैं, ना कोई असिस्ट करते हैं। बहुत टू मच जो है सो केयरलेस बना है, यहाँ कोई जो है सो इन पे एक्शन लेने वाला नहीं है। इससे पहले भी जो है सो कई मरतबा मीडिया वालों को बुलाकर यहाँ पे इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपील किए थे, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कोई पहली मरतबा नहीं है कि हम मीडिया के सामने आके हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहे हैं, ये बहुत ही केयरलेस पना है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को, MRI को जो है सख्ती के साथ जो है सो उनको एक्शन लेने के लिए स्टाफ के लिए कहिए। ज़्यादातर यहाँ पर हमेला खवातीन आती है, हमेला खवा डॉक्टरों का कैसा रवैया? कोई रवैया सही नहीं है उनके पास, खाली आते हैं सिर्फ डेट देते हैं, जैसा कि कहा गया ना सनी दर, खाली डेट पे डेट। तो यहाँ भी वही छाले, बस आना कॉपी में डेट लेना चले आना, ना उनका BP चेक करते हैं, ना वेट चेक करते हैं, ना उनको जो है सो किसी किस्म की सही गाइड करते हैं कि भाई आप जाइए टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के ला के रिपोर्ट वक्त बताए कुछ नहीं, खाली कॉपी में लिख के दे देते हैं चले आते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी रहा तो देख के उसको फॉलो करता है, जाहिर लोग फिर वैसी की वैसी कॉपी वापस लेके आते हैं, उनका कोई जो है सो सही तरीके का देखने वाला नहीं है। यहाँ पर हर किस्म की लापरवाही बरती जाती है और बदतमीज़ी तो बहुत ज़्यादा की जाती है। जितने भी पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनके साथ सही किस्म का कोई ताउन बिल्कुल खतई नहीं है यहाँ पे।